दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी की भर्तियों की, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आज दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए। वैसे तो तीन नोटिस जारी हुई हैं। एक नोटिस है एसएससी की स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की जो परीक्षा हुई है, जो भर्ती हुई है उसमें कितने पद हैं टोटल, आज इन पदों का जो विवरण है वो जारी कर दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेड सी और ग्रेड डी में जो टोटल पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, किस विभाग के कितने पद हैं इसकी भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि टोटल 3571 पदों पर भर्ती हो रही है। दूसरी जो नोटिस है वो है रिवाइज्ड कैलेंडर। एसएससी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना पूरा वार्षिक कैलेंडर 2025 तक का जारी किया है, जिसमें आने वाली भर्तियों के बारे में जानकारी दी है। यहां पर देख सकते हैं इसमें 23 नवंबर 2022 से लेकर के जो 13 अक्टूबर तक जो विज्ञापन निकलेगा, 13 अक्टूबर 2023 तक जो विज्ञापन निकलेंगे उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। और यहां पर जो डेट पड़ी हुई है ये 19 मई की डेट पड़ी हुई है, ये देखिए ये डेट यहां पर पड़ी हुई है। और यहाँ पर ये जो भर्तियां इस साल आएंगी उन्हें आप लोग देख सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को इंतजार था एसएससी जीडी की भर्ती का, क्योंकि ये अक्टूबर के महीने में ये लगभग आती है, नवंबर या अक्टूबर के महीने में पिछली बार भी जारी हुआ था, लेकिन 2023 में हम देख रहे हैं यहाँ पर अक्टूबर तक तो एसएससी जीडी का जो विज्ञापन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 13 नंबर पर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन, जिसमें सभी राज्यों के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 1 सितंबर को जारी होगा, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी और नवंबर और दिसंबर इसी साल इसकी परीक्षा भी होनी है। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती है उसके बारे में रोज फर्जी नोटिस बड़े बड़े समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया जाता है और जो आज ट्वीट हुआ था वो भी पूरी तरीके से फर्जी था। अगले महीने कौन सा विज्ञापन जारी होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जून के महीने में यह हवलदार मल्टीटास्किंग का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। सब इंस्पेक्टर दिल्ली का जो नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो 20 जुलाई 2023 को जारी होगा, ये दिल्ली पुलिस का है। और जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आनी है वो 26 जुलाई को इसका विज्ञापन जारी होगा। हर महीने आपको कोई ना कोई भर्ती का जो विज्ञापन देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है, तो जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आपकी क्षमता तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये जो तीसरी नोटिस आज एसएससी ने जारी किया है ये है 10+2 एसएससी सीएचएसएल की शॉर्ट लिस्टिंग टीयर फर्स्ट का जो परिणाम हुआ जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इसकी जो परीक्षा वो 9 से लेकर के 21 मार्च के बीच में हुई थी। और भी जो कट ऑफ वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जनरल की जो 157 है, एससी का 135 है, एसटी का 125 है, ओबीसी का 153 है, ईडब्ल्यूएस का 151 है, कितने कैंडिडेट इसमें अवेलेबल थे, सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करें, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एसएससी जीडी के छात्रों को झटका जरूर लगा कि एसएससी जीडी का विज्ञापन इस साल जारी नहीं हो रहा, जिसमें यह बताया जा रहा था कि 1,30,000 पदों पर भर्ती होगी। हो सकता है कि नए साल में 2024 में इसका विज्ञापन जारी हो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।